यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला ने राजा भैया को चुनौती दी है। राजा भैया पर बड़ी कार्रवाई को सुनील भराला ने इसकी बात की है। मुख्तार अतीक राजा भैया पर बड़ी कार्रवाई होगी। कोई कितना भी बड़ा बाहुबली हो उस पर कार्रवाई होगी। यूपी के गैंगस्टर्स की करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त हुई। ये बयान है जो दिए सुनील भराला ने। एक एक करके हम आपको बता रहे। हजारों माफिया डॉन जेलों के अंदर ठोके गए हैं। माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश में ऐसे गैंगस्टर अपराधियों को जिनकी प्रॉपर्टी को सरकार ने जो अराजकता करके गुंडागर्दी के बल पर कमाई गई थी, 266 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अब तक जब्त की है। हजारों माफिया डॉन वो जेल के अंदर ठोके गए हैं। मुख्तार और अतीक अहमद जैसे, राजा भैया जैसे माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किसी भी गुंडे को, अपराधी को कहीं किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला ने राजा भैया को चुनौती दी है। राजा भैया पर बड़ी कार्रवाई को सुनील भराला ने इसकी बात की है। मुख्तार अतीक राजा भैया पर बड़ी कार्रवाई होगी। कोई कितना भी बड़ा बाहुबली हो उस पर कार्रवाई होगी। यूपी के गैंगस्टर्स की करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त हुई। ये बयान है जो दिए सुनील भराला ने। एक एक करके हम आपको बता रहे। हजारों माफिया डॉन जेलों के अंदर ठोके गए हैं। माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश में ऐसे गैंगस्टर अपराधियों को जिनकी प्रॉपर्टी को सरकार ने जो अराजकता करके गुंडागर्दी के बल पर कमाई गई थी, 266 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अब तक जब्त की है। हजारों माफिया डॉन वो जेल के अंदर ठोके गए हैं। मुख्तार और अतीक अहमद जैसे, राजा भैया जैसे माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किसी भी गुंडे को, अपराधी को कहीं किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला ने राजा भैया को चुनौती दी है। राजा भैया पर बड़ी कार्रवाई को सुनील भराला ने इसकी बात की है। मुख्तार अतीक राजा भैया पर बड़ी कार्रवाई होगी। कोई कितना भी बड़ा बाहुबली हो उस पर कार्रवाई होगी। यूपी के गैंगस्टर्स की करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त हुई। ये बयान है जो दिए सुनील भराला ने। एक एक करके हम आपको बता रहे। हजारों माफिया डॉन जेलों के अंदर ठोके गए हैं। माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश में ऐसे गैंगस्टर अपराधियों को जिनकी प्रॉपर्टी को सरकार ने जो अराजकता करके गुंडागर्दी के बल पर कमाई गई थी, 266 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अब तक जब्त की है। हजारों माफिया डॉन वो जेल के अंदर ठोके गए हैं। मुख्तार और अतीक अहमद जैसे, राजा भैया जैसे माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किसी भी गुंडे को, अपराधी को कहीं किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।